लोग अपने कचरे को सोना बनाते हैं और माजर के साथ हमारे यहाँ सोने को कचरा बना दिया जाता है। और इंडिया वाले भाई सीधी बात कहूँगा, ये इंडिया पाकिस्तान में फन की कोई सरहद नहीं होती है और वो लोग काम की बहुत इज्जत करते हैं काम को। वो अच्छा, नए आने वाले फ्रेंड्स को सिर्फ मैं ये कहूँगा कि तो भैया न्यूयॉर्क से कराची और लंदन से लाहौर तक तमाम देखने सुने समझने वालों को मेरी यानी आरजे जैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्रीकाल। आज का इंट्रो बहुत डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वो ना उस नाम के पास जा रहा हूँ मैं जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में जाके तक नाम बनाया अपना। तो उनसे मेरा जो है आज ऐसी एक सलाम दुआ की हो रही है उनसे, और सलाम दुआ का मकसद ये है कि उनका खुद का चैनल स्टार्ट हुआ है और बहुत उनसे गायब है, बहुत दफ़ा देखा है आपने, कई प्रैंक्स में देखा है आपने उनको। तो आज हम जा रहे हैं हमारे बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई की तरह, और आप जब मिलेंगे तो आपको आइडिया होगा। मैं घर के पास पहुंच चुका हूं वैसे, और तो मिलते हैं उनसे, कौन है क्या है मिलवाते हैं। तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग वहां पे जहां पे मुझे आना था, फ्रेम में वो भी आ रहे होंगे मुझे पता है। और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा था मेरे बड़े भाई की तरह हैं मेरे जो साथ बैठे हैं, और इंडस्ट्री में नाम माशाल्लाह बहुत दिन का इंडिया जा चुके हैं ये। और कॉमेडी अगर आपने कभी देखी हो या प्रैंक कभी देखा हो ज़िंदगी में तो ये चेहरा था हमसे नहीं गुजरा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद इस टाइम पे प्रैंक की दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ा नाम है रेहान जमाल। रेहान जमाल भाई कैसे हैं यार? सब मैं ठीक हूँ, और मुझे बहुत प्यार है जैन से क्योंकि जैन माशाल्लाह बहुत मेहनती है और सुबह से शाम तक ईंटें बनाता है, इतना मेहनती है। यानी कि ईंटें बनाने का मकसद ये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ईंटें बनाने से मुराद ये है कि ये इतनी मेहनत करता है और टोटली ब्लॉग वगैरह कर रहा होता है, जॉब भी कर रहा होता है और आप लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है इन हालात में, किसी को आप इंटरटेन कर रहे हैं, किसी को आप खुश कर रहे हैं, किसी का टाइम पास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब सेट चल रहा है मज़े में? अच्छा आप देखिए मुझे ऐसे ना, तो मुझे लगा शायद आज मुँह धोके नहीं आया मैं। अच्छा लगड़ लगड़ के धोया है असल में। जैन हमारा फुल सूट पहन के, नई टी शर्ट पहन के, नए जूते पहन के, फैशियल करवा के जब बाहर आता तो फिर भी घर वाले पूछते हैं क्या हुआ जैन, चल नहीं रहा शादी में? अच्छा सर, खैर रैन भाई ये तो खैर जलील तो होना जब कभी मुकद्दर में लिखा हो तो फिर क्या कर सकते हैं इस बारे में? फिर मेरी कोई औकात नहीं है भाई, ऐसे अल्लाह जरिया बनता। इनकी औकात सुबह 9 से 5 होनी, बाहर लिखा होता अक्सर। ये आते हैं मेरे पास खतना करवाने के लिए ज़्यादा हो गई, मैं जितना बोलूँगा ना मेरी ली जाएगी, मुझे पता है। अच्छा दूसरी बात ये रैन भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि आप कहाँ गायब हैं? अभी बीच में आपको मैंने बहुत प्रैंक्स में देखा, कई जगहों पर देखा, आप अचानक बिल्कुल गायब हो गए हैं, तो किधर हैं भाई आप? अच्छा अभी मैं कर रहा था नादिर अली के साथ प्रैंक, आप लोगों ने देखे होंगे। और अब ये कि ज़ाहिर इंसान को जहन अपना कुछ करना पड़ता है। अच्छा जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना मेरा दिल खुश होता है कि यार ये मेहनत कर रहा है बच्चा और अपना एक लेके चल रहा है। और मेरी तमाम देखने वालों से ये सबसे पहले अपने बताने से पहले बताऊँगा ये गुजारिश है कि जहन को सब्सक्राइब करें, जहन के चैनल को, और इसको लाइक करें, शेयर करें। तो बस मेरा यही है कि मैं अभी प्रैंक कर रहा था नादिर अली के साथ, तो अब ये कि राहें जुदा जुदा हो गई हैं क्योंकि इंसान ने अपना कुछ करना होता है। तो फिर मैंने अपना चैनल एक लॉन्च किया है रेहान जमाल ऑफिशियल के नाम से, तो जो आपकी ऑडियंस है आप उनको कह दें कि उसको सब्सक्राइब भी करें, तो और वहाँ पे आपको बड़ी मज़े मज़े की वीडियोस, गाने, कॉमेडी और मतलब बस टोटल इंटरटेन है उसमें, तो मिलेगा। तो भाई देखो अभी मैं बोलूँगा आप जाके सब्सक्राइब करो तो आप शायद नहीं कर पाओगे ना, ऐसी है। तो मेरी ही इस वीडियो में ना कुछ आपको टीज़र्स मिले, टीज़र मुराद ये है कि ये एक्चुअल में जितने प्यार से बात कर रहे हैं ना ये एक्चुअल में इतने हैं नहीं, ये ऑन कैमरा के जितना ये बीस्ट बन जाते हैं ना भाई ये कॉमेडी के। और मैं अक्सर बेशतर मिलता भी इसलिए हूँ कि जाहिर सी बात है आजकल जो हालात चल रहे हैं हर बंदा तकलीफ दुख के अंदर है, तो रेहान के साथ बैठ के ना ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं मैंने ज़िंदगी सुकून में आ गई, खुशी हंसी। और सबसे मुश्किल काम दुनिया में जो है वो किसी को आसान है, और मैं अगर बोलूँ ना आपको, आपको मैं हंसाऊंगा आज तो आप कभी नहीं हंसोगे। और इस बंदे की बात सुन के ना ऐसा लगता है कि भाई वाकई अंदर से हंसी आती है, कहते ना दिल से खुश हुआ मैं, तो वाली फीलिंग आती है। तो रेहान भाई आप माशाल्लाह इंडिया भी गए, इंडिया में भी आपने अपना क्या कहते हैं वो लोहा मनवाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इंडिया वाले भाई सीधी बात कहूँगा, ये इंडिया पाकिस्तान में फ़न की कोई सरहद नहीं होती है,
और वो लोग काम की बहुत इज्जत करते हैं, काम को, वो लोग अपने कचरे को सोना बनाते हैं और माजर के साथ हमारे यहाँ सोने को कचरा बना दिया जाता है। Exactly, ऐसा ही है ना। क्योंकि हुआ ये कि मैंने एक औरत से ना शादी कर ली जिसकी 18 साल की एक नौजवान लड़की थी, वो लड़की भी अपनी माँ के साथ मेरे घर में रहने लगी। इत्तेफाक से वो लड़की मेरे बाप को पसंद आ गई और मेरे बाप ने उस लड़की से निकाह कर लिया, तो इस तरह मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। कुछ अर्से बाद मेरी बीवी की लड़की जो मेरे बाप की बीवी थी उसके औलाद हुई, ये बच्चा रिश्ते के लिहाज से मेरा भाई हुआ क्योंकि वो मेरे बाप का लड़का था, मगर उधर से वो मेरी बीवी का नवासे भी हुआ तो गोया में अपने भाई का नाना बन गया। कुछ अर्से बाद मेरी बीवी की भी औलाद हुई तो मेरे बाप की बीवी सोते भाई की बहन बन गई, मगर उस बच्चे की दादी भी हो गई क्योंकि उसको शौहर यानी कि मेरे बाप का पोता था। तो इस तरह मेरा बच्चा अपनी दादी का भाई बन गया और मेरी सोतेरी माँ यानी मेरी बीवी की लड़की मेरे बच्चे की बहन बन गई, मेरा बच्चा मेरा मामू बन गया और मैं उसका भांजा अलग है, मैं खुद उसका नाना भी हूँ। तो इस तरह मेरे बाप का बेटा जो मेरी बीवी की लड़की का बेटा है वो मेरा भाई भी बना, मेरा नवासा भी बना, बस इसीलिए मैं फनकार बना। एक बात बताऊँ, नहीं इसके लिए ना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिमाग चल नहीं रहा है। और रैन भाई क्या अगर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो बड़ा बाप लेवल है भाई। और ये चीज़ छोटी सी चीज़ देखी होगी आपने, मैंने तो देखी सुनी हुई है, आप भी देखें ये वाली। अच्छा रैन भाई मुझे बताएं क्या माशाल्लाह प्रैंक्स में आपने बड़ा नाम बनाया आपने प्रैंक्स में। मेरे ख्याल से जितने मशहूर प्रैंक्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, और मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रैंक्स को लॉन्च करने वाले मेरे ख्याल से एक तो नादिर अली थे, उसके बाद मैंने आपको देखा प्रैंक्स करते हुए, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा और नए जो आने वाले लोग हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा सबसे पहले तो हनीफ भाई थे, हनीफ राजा भाई, और उसके बाद पाकिस्तान में नादिर अली दादरी के साथ फिर मैंने भी शुरू किया। अच्छा नए आने वाले प्रैंक्स को सिर्फ मैं ये कहूँगा कि प्रैंक्स ज़रूर करें वो, लेकिन बस किसी की तजलील ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई आपके मजाक से बुरा ना माने, किसी कोई आपके मजाक आपका मजाक ऐसा हो कि उसका मजाक ना उड़े, समझ रहे हैं? इंसान के बाल उड़ जाएँ इंसान को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब किसी का मजाक उड़ाया जाए ना तो उसको बुरा लगता है। तो माँ बाप बहन भाई इन तमाम चीज़ों से हट के मजाक होना चाहिए, और मजाक ऐसा हो कि सामने वाले को अच्छा लगे बुरा ना लगे। तो तमाम प्रैंकस्टर से मेरी ये गुजारिश है कि वो पीछे से थैलियाँ मारना नाड़े खींचना समझ रहे हो ना, ये चीज़ें ना करें। आप मजाक करें, अच्छा मजाक करेंगे तो हमारी ऑडियंस ये कि ज़रूरी है कि झगड़ा करें, हमारी ऑडियंस उसको मज़े में भी लेती है इंजॉय भी करती है, अच्छे मजाक को अच्छा ही समझा जाता है, तो मजाक अच्छा करें बस ये है। अच्छा मैंने चीज़ रहने नोट की है जो हमारे पास पाकिस्तान में जो एक आर्टिस्ट की जो वैल्यू होती है वो मैंने हमेशा देखी है, या तो आपने कोई साइड बिजनेस कर लिया हो तो आप बिल्कुल वेल ऑफ हो जाते हो अचानक बिल्कुल ठीक हो जाते हो, आर्टिस्ट की कदर नहीं है। तो आर्टिस्ट जो कि अभी मैंने कई आर्टिस्ट देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ऐसी बात है मैं आर्ट्स काउंसिल भी जाता हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ वहाँ पर, तो मैंने कई आर्टिस्ट देखे हैं जो कि अभी एक मेन स्ट्रीम पे आके वो मेरा दिल ये पुकारे आ जा करके जो बंदे लोग वायरल हो रहे हैं, और वो 3-2-1 पिल्ले जीरो टैलेंट के ऊपर लोग आके मशहूर हो रहे हैं, और टैलेंटेड लोग जो बिल्कुल फारिग है बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा उनको। काट रहा हूं। ये तो पिल्ले को लोग गालियां दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए एक गरीब लड़का यार, अगर वो दो पैसे कमा रहा है अपने घर को चला रहा है, रोजी रोटी उसके नसीब में अल्लाह ने लिखी है, तो उसको आप बिला वजह आप उस पर रोस्टिंग कर रहे हैं, आप उसको बुला बुरा भला कह रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं यार, जहन लोग क्या किया उस बेचारे ने तुम्हारा यार। तो मैं पिल्ले तक मेरी आवाज़ ये ज़रूर पहुँचाना, पिल्ले असल में पिल्ले नाम भी तो ऐसे ही ना पिल्ले, तो पिल्ले को मैं यही कहूँगा कि पिल्ले परेशानियों में आ गया हूँ, पिल्ले की जो है सपोर्ट करने के लिए, पिल्ले को कोई गाली नहीं देगा, पिल्ले अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान है और हर इंसान की हमें इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। आप देखें जैन भाई जैसे भी हैं लेकिन मैं इनकी इज्जत कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ जैन मेरी पसंद का बच्चा है जैन मेरा। अच्छा ये एक बड़ा आप लोगों ने इसको ब्लॉग में देखा होगा ना, लेकिन इसके पास जो छुपा हुआ टैलेंट है वो आप में से अभी तक किसी को नहीं पता, वो सिर्फ मुझे पता है। वो अभी मैं चाहता हूँ कि जैन चाय वाय पी ले, और चाय पीने के बाद नमक पारे जैन, नोकीला नमक पारा पसंद है आपको? नहीं शर्मा रहे हो क्या, मतलब तुम समझ रहे हो? रैन भाई मैंने कहा ना आप मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई को अगर मैं ना समझ पाऊँ ना तो ये भी सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो समझ गया हूँ, मेरे ख्याल से कुछ लोग वहाँ पहुँच भी गए हैं और मुझ समेत ये समझ भी गया, और उसने अंदर ही अंदर मज़े भी ले लिए इस बात सारे पैसे फील के ब्रो लेकिन बहरहाल मैं अभी आपको इसका एक टैलेंट दिखाऊँगा, ये बहुत टैलेंटेड लड़का है और ये बहुत कामयाब हो गया जैन, मैं तुम्हें बता दूँ। देखिए एक आर्टिस्ट की जो प्रिडिक्शन होती है ना वो गलत नहीं होती, पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, आपके अंदर है, आपके अंदर एक करंट है, आपके अंदर जो चीज़ है ना वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक कैसा करंट है, ये बड़ा प्यारा और बड़ा टैलेंटेड आदमी है, वो अभी हम दिखाते हैं आपको इनका फ़न क्या है। अच्छा भाई चीज़ मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, मैं आज भी करूँगा ऑन कैमरा करूँगा, कि अगर कुछ बॉलीवुड एक्टर्स मेरी चैनल की प्रमोशन करें तो कैसे करेंगे वो बताएंगे रेहान भाई।
देखो ये अमिताभ बच्चन अगर अमिताभ करेगा, सारे एक्टर साथ साथ करेंगे, सबसे पहले अमिताभ शुरू करेगा। नमस्कार नमस्कार देवी और संजय, जैन हमारा बच्चा है, जैन हमारा दोस्त है, जैन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि जैन के चैनल पे आप लोगों को खाने की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अरे जैन के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बड़े मज़े मज़े के खाने और डिशें नज़र आएंगी, खासकर उन लोगों को जो लोग खाने के शौकीन हैं, मसालों के शौकीन हैं। मैं बहुत देर से आपसे ये कह रहा हूँ कि जैन के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैन और प्रमोट हो और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। अरे शत्रुघ्न सिन्हा का भी ये कहना है कि जैन के चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जैन हमारा बच्चा है और सबसे अच्छा बच्चा है और मेहनती बच्चा है, तो जैन के चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बाबू जी ने कहा गांव छोड़ दो, माँ ने कहा हवेली छोड़ दो, लोगों ने कहा पारों को छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन जैन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना छोड़ना। भाई मैं बहुत खुश हूँ, जिंदगी में ख्वाहिश थी मेरी कि कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार मेरे ना चैनल को शट आउट दे, वो सारे एक साथ ही मिल गए मुझे। और बाकी भाई ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कौन सा वाला दद्दू रह गए। अरे जैन के चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, क्योंकि जैन बहुत टैलेंटेड बच्चा है, जैन की वीडियोस आप देखोगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो भाई ये कुछ भी नहीं है जो इनके चैनल पे होने वाला ना, वो बड़ी तबाही होने वाली है। तो मेरे चैनल को तो आप करते ही लाइक पसंद करते हैं, पर रेहान जमाल ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मज़ीद ही ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो सेशन ख़त्म हुआ है इंटरव्यू का, अभी तो बड़े सिस्टम बाकी हैं भैया, दिखाते हैं आपको चाय बड़े मज़े की थी। मैं लेके जा रहा हूँ अंदर, बेटा आप लोग सब बाहर चले आना, जैन को मैं लेके जा रहा हूँ अंदर। आज तो मेरा आईफोन पक्का है। सही है, यकीन करें आईफोन आज बिल्कुल रुकेगा नहीं, ऐसे ही जाएगा डायरेक्ट अंदर। माँ मेरा ख्वाब पूरा हो गया आज। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, अभी ये इंटरव्यू था, ये हो गया, तो आपसे अगले सिस्टम पे मिलते हैं आपसे। थैंक यू। तारिक रोड हो या गुरु मंदिर, जैन को ले आया हूँ मैं अंदर, और जैन भाई बैठे, गिटार बजाएगा ये सुंदर, और इसके बाद बनाएंगे हम घर पे गोश्त और चकुंदर और मज़े मज़े से खाएंगे। तो जैन हमारे साथ मौजूद है, जैन भाई शुरू करते हैं, क्या सुनना चाहेंगे और क्या बजाना चाहेंगे आज? इनका आप गिटार सुनिए, गिटार कितना अच्छा बजाते हैं। ओके जी भाई, मेरे चैनल पे मैं शायद पहली बार गिटार प्ले कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं रेहान भाई के साथ बैठ गिटार प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि कहते ना कि रूहानी अटैचमेंट होती है म्यूज़िक की, तो रेहान भाई से वो मेरी है, तो कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। एक मिनट दौड़ा पहले पीओ। अरे पीते तो हम भी नहीं है, पानी है शुद्ध। ओके जी। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने थी कैसी रातें वो जाने।
फाइनली घर पे आ चुके हैं हम लोग, और आज का व्लॉग जो था बेसिकली बहुत अलग किस्म का था, और व्लॉग भी ख़त्म हो गया। खैर इसको कोशिश की है थोड़ा सा अलग एलिमेंट डालें व्लॉग के अंदर हम लोग, और ये व्लॉग जो था एक इंटरव्यू भी था, तफरी भी थी, कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश भी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि इस व्लॉग में कुछ अलग ट्राई किया है, और बस इस कोशिश को ज़रूर बताइएगा मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट्स पढ़ के। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, तब तक के लिए चलो शाबाश अगला।